एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं श्रीति आप सभी के साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। लेकिन वीडियो की ओर जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आता है तो एक लाइक कर दे। सो ये वीडियो है लाहौरी फीड स्पीक्स। अब इसका मतलब क्या है वो मुझसे मत पूछेगा क्योंकि बेड़ा गर्क है मेरा। ऐसी भाषा पे ये क्या लिखा है वो तो यही जाने। सो ये वीडियो का टाइटल है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। ये वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान एजुकेशन वर्सेस इंडियन एजुकेशन, पाकिस्तानी पीपल रिएक्शन, लाहौरी फीड स्पीक्स। ओके, सो ये डिफरेंस बता रहा है कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम और इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या डिफरेंस है। तो ये तो आज हमें पब्लिक ही बताएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं एंड सुनते हैं पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है इसके ऊपर। सो गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो। बराए मेहरबानी कॉलेजेस के अंदर से मेकअप को और मोबाइल को बिल्कुल ख़त्म कर दें ताकि बच्चों का फोकस पढ़ाई पे रहे ना कि फैशन पे रहे, चाहे वो बॉयज़ हैं चाहे वो गर्ल्स हैं। पाकिस्तान एजुकेशनल सिस्टम इज़ नॉट दैट मच बेटर। हमारे यहाँ आज भी वही घिसा पिटा जो निज़ाम है वही चलता है। ये तो आपका वैसे ही सवाल हो गया कि चपेड़े खानी के मुक्के, तो बंदा दोनों पे रहा ही करेगा, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और दूसरी तरफ इंडिया का, तो दोनों ही एक तरह के हैं बेसिकली। मेरी बजने वाली है, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मेरी भी बजने वाली है, साथ में बजेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं महविश नाज फ्रॉम लाहौरी फीड स्पीक्स और हमारा आज का टॉपिक है एजुकेशन से रिलेटेड। जैसा कि आप सबको पता है कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ फॉर आर कंट्री, फॉर आर होम, फॉर एवरीथिंग। एजुकेशन के बगैर आज के दौर में इंसान कुछ नहीं है। ह्यूमन इज नथिंग विदाउट एजुकेशन। और ये हमारी ना सिर्फ लाइफ में इम्पोर्टेंट है बल्कि पाकिस्तान के इधर उधर मौजूद तमाम ममालिक में बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया में एजुकेशन किस लेवल पे है और पाकिस्तान में किस लेवल पे है, आज हम लोगों से करेंगे ये क्वेश्चन कि पाकिस्तान की एजुकेशन कहाँ पे है और इंडिया की। एज यू गाइस नो कि इंडिया की एजुकेशन कंपैरेटिवली बहुत आगे और बहुत बेहतर है। तो आइए हम आवाम से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचती है कि हमारी पाकिस्तानी एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है या इंडिया की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आपका नाम? फरजाना सिंधु। हमारा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी एजुकेशन को हम रिलेट कर रहे हैं इंडियन एजुकेशन के साथ, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी एजुकेशन ज्यादा बेहतर है कंपैरेटिवली इंडियन एजुकेशन या इंडियन एजुकेशन ज्यादा बेहतर है? इंडियन एजुकेशन ज्यादा बेहतर है। आपको ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बैकवर्ड इलाकों में रहते हैं जो कि अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, उनमें शौक नहीं है। क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है पाकिस्तानी एजुकेशन ज्यादा बेहतर है या इंडियन एजुकेशन? कंपैरिजन अगर किया जाए तो व्हिच वन इज मोर बेटर? ये तो आपका वैसे ही सवाल हो गया कि चपेड़े खानी के मुक्के, तो बंदा दोनों पे ना ही करेगा, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम और दूसरी तरफ इंडिया का, तो दोनों ही एक तरह के हैं बेसिकली, तो दोनों को बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ज्यादा खराब कौन सा है, तो मैं कहूँगी पाकिस्तान का सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है। रीजन भी है, बहुत सारे रीजन, इनोवेशन नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, बहुत पुराना जो हमारा वो अंग्रेजों के दौर का चलता आ रहा है एजुकेशन सिस्टम, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। रट्टा सिस्टम बहुत ज्यादा है। जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे चार चार साल की डिग्रियां लेके निकलते हैं, उनको बैठ के कंप्यूटर पे वर्ड और एक्सेल टाइप करना नहीं आता। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें स्किल नहीं सिखाता, हमें इनोवेशन नहीं सिखाता, क्रिएटिविटी नहीं सिखाता, थिंक टू आउट ऑफ द बॉक्स, ये हमें नहीं सिखाता हमारा एजुकेशन सिस्टम। तो मैं समझती हूँ बड़े वर्स्ट हालात चल रहे हैं। और जो कोविड आया अभी और जो ऑनलाइन पे हम शिफ्ट हुए हैं, इसने तो वो रहा साहब बेड़ा गर्क भी कर दिया ना बच्चों का। पाकिस्तानी एजुकेशन ज्यादा बेहतर है या इंडियन एजुकेशन ज्यादा बेहतर है, आपको क्या लगता है? हम पाकिस्तान में रहते तो पाकिस्तानी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है ना, ना कि हमने कौन सा उधर जाके जॉब्स करनी है, क्योंकि ये दंगे खत्म होते नहीं। इतनी मर्जी हम कर ले लोग, अब देखे मास्टर्स किए होते, इतनी इतनी अच्छी एजुकेशन, लेकिन जॉब्स नहीं मिलती। प्रॉब्लम ये होती है ना कि चलो अगर यहाँ के बजाय वहाँ पे जाएंगे, चलो अगर 8 घंटे मेहनत करेंगे तो एटलीस्ट वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही कुछ भी नहीं मिलता यार, 20 से 25 हजार मिल रहा है और वो भी अच्छी मतलब एजुकेशन सर। आप हमें ये बताएं आज का हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी एजुकेशन ज्यादा बेहतर है या इंडियन एजुकेशन ज्यादा बेहतर है, तो इस चीज को लेके आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा कहना ये है कि हिंदू पढ़ लिख के हमसे आगे निकल गया, सारी इंटरनेशनल कंपनीज उसने बना ली, मार्केट को उसने ऑक्यूपाई कर लिया, जो टेरिटरीज मुसलमान के थे वो उसने छोड़ दिए, मुसलमान ने पढ़ाई से तौबा कर ली है। और हालांकि हमारा जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो इकरा से शुरू होता है। इकरा का मतलब ही ये है कि पढ़,
पहली वही पहला ऑर्डर जो हमारे लिए मुसलमान के लिए स्टैंडिंग ऑर्डर वो इकरा है कि तू पढ़। अब हम क्या पढ़ते हैं ये आपके सामने ही है, ये लेवल है हमारी एजुकेशन का कि हम कहते हैं कि हमें पढ़ना ना पड़ जाए, कुछ करना ना पड़ जाए, कोई किताब कलम जो है उससे हमारा कोई वास्ता और किसी किस्म की कनेक्टिविटी हो ना पाए। नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में हम सबसे आगे हैं। हिंदू क्यों पढ़ता है? हिंदू इसलिए पढ़ता है कि उसको उसकी वैल्यू का पता है कि उसने उसको इस्तेमाल कहाँ पर करना है, उसको उसकी यूजेज का पता है, उसको उसकी यूटिलिटी का पता है। अगर उसको उसकी यूटिलिटी का पता है तो हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता कि हमारा लीडर जो है वो खुद अनएजुकेटेड है, जो पॉलिटिशियन है वो खुद अनएजुकेटेड है, जो बंदा आपका असेंबली में बैठा हुआ है, जो आपका लेजिस्लेटर है वो इतना नालायक और नाहल है कि उसको खुद नहीं पता कि वो फ्रॉड करके आ गया आपकी असेंबली में। जब लेजिस्लेटर आप सिलेक्ट करेंगे इस नेचर का तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं? इंडिया की एजुकेशन बेस्ट है। ओके, और ऐसा क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान के स्पेशली कॉलेजेस में बच्चियाँ लड़कियाँ, मैं तो बच्चियाँ कहूँगी क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, जाहिर है एजुकेशन पे फोकस कम है उनका, टिकटॉक बनाने पे फोकस उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्ची का सेकेंड ईयर बाद में क्लियर होता है, टिकटॉक स्टार वो पहले बन जाती है। तो अगर पाकिस्तानी हुकूमत से, इमरान खान से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एजुकेशन के अंदर, स्पेशली कॉलेजेस के अंदर जहाँ उन्होंने यूनिफॉर्म को कंपलसरी किया हुआ है, वहाँ फैशन को और मेकअप को बिल्कुल ख़त्म कर दें। बेशक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, ना कि मॉडल बन के निकले वहाँ से। तो सबसे बड़ी वजह ही ये है, जब आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पे फोकस नहीं रहेगा तो यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ आप टाइम पास के लिए और मॉडलिंग करने जा रहे होते हो। मैं पाकिस्तान से हूँ, मुझे बुरा लग रही है ये अल्फाज कहते हुए, लेकिन ऐसा ही है। व्हिच वन इज मोर बेटर, इंडियन एजुकेशन वेदर पाकिस्तानी एजुकेशन? पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम इज़ नॉट दैट मच बेटर। हमारे यहाँ आज भी वही घिसा पिटा जो निज़ाम है वही चलता है। आई वुड नॉट से कि जो पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम है, आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशन सिस्टम को ही पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। आई वुड से जो हमारा गवर्नमेंटल एजुकेशनल सिस्टम है, दैट इज़ बेसिकली आवर सिस्टम। मैं तो खुद तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ, अभी मेरे ऑनलाइन एग्जाम्स की मुझे आज थोड़ी बहुत खबर मिली है, तो मेरी तो सांस में सांस आया नहीं। तो आप ऑनलाइन पढ़ के ऑन कैंपस पेपर देने जाओ तो आपकी बैंड बज जाती है। चले, अच्छा मुझे ये कोई मैसेज दें कि आपको लगता है पाकिस्तानी एजुकेशन नहीं बेहतर, तो इंडियन किस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है? जैसे आपने पाकिस्तान को जो है डिग्रेड किया है बहुत सारी रीजन दे के, तो इंडिया में ऐसा क्या था? नहीं देखिए, अगर आप इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वो हमसे इस लिहाज से बेहतर है कि आप उनकी टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाएँ। टेक्नोलॉजी ज़ाहिर बात है वो अपने स्कूल कॉलेजेस में वो चीज़ें पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे उनके पास ऐसे लोग पैदा होते हैं जो टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, जो साइंस में काम करते हैं, उनका बजट ज़्यादा है हमसे, वो लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं अपनी एजुकेशन पर, अपने बच्चों पर। जो हमारे पास है हम उसका कितना परसेंट लगाते हैं अपनी एजुकेशन पर? तो ये जो सेंस है कि बच्चों को पढ़ाना नहीं है और काम पर लगाना, ये कौन डेवलप करेगा? ये भी तो एजुकेशन से आती है। एजुकेशन डजंट मीन कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल कर लो, एजुकेशन का मतलब वो बिल्कुल नहीं होता। एजुकेशन का यही तो एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है ना, आप 4 साल की डिग्री करते हो, आप एमए बीए पीएचडी कर लेते हो, आपको इतनी सेंस नहीं है, जॉब नहीं मिलती आप जॉब के बाद। ये जॉब ओरिएंटेड जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है ना, हमारी डेवलपिंग कंट्रीज में पढ़ाई की ही जॉब के लिए जाती है, ऐसा क्यों? वो चीज़ें ना, वो चीज़ें बचपन से डेवलप की जाती हैं। बहुत सारे इशूज़ हैं, आप इसको आप रिलेट करना शुरू करें। पॉवर्टी सबसे बड़ा इशू मैं मानती हूँ, पॉवर्टी है, पॉवर्टी होती है तो ज़ाहिर बात है आप ग्रूम नहीं कर पाते, आपके पास लाइफ चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। लाइक अगर उनके एजुकेशन से देखें ना, मतलब उनके बच्चे बच्चे को, मतलब वो इतने मतलब कॉन्फिडेंटली, मतलब सब हमारे बस अभी से जिनके मतलब ज़्यादा वो एजुकेटेड हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वो एग्जैक्टली वो इंग्लिश मीडियम पढ़े जाते, बाकी वैसे का वैसा, मतलब हम सिर्फ एज अ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, हम इन्वेस्ट नहीं करते, हम एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करते। एग्जैक्टली ऐसा ही है, जिनके पास है वो करते हैं, बाकी पीछे रह जाते हैं। ऑब्वियसली पैसा होगा तो करेंगे। वहाँ पे एजुकेशन किस किस्म की आप एक्सपेक्ट करते हैं? लीडर को तो हम नहीं देख सकते ना, उनका लीडर कौन सा बहुत एजुकेटेड है? नो, उनका लीडर एजुकेटेड है, उनका लीडर डेडिकेटेड है। हिंदू लीडरशिप की अगर आप बात करें तो दे आर हाईली डेडिकेटेड। डेडिकेशन का नाम एजुकेशन होता है, एमए पीएचडी करने का नाम एजुकेशन नहीं होता। डेडिकेशन इज एजुकेशन। अगर आप डेडिकेटेड हैं, आपकी बॉस के साथ फेयर इनफ है, तो इसका मतलब है यू आर प्रॉपरली एंड ट्रूली एजुकेटेड। अगर आप इंडिया जाके विजिट करोगे तो जो आपको ग्लैमर दिख रहा होता है ना मीडिया पे, एक्चुअली ऐसा है नहीं, ना ही कॉलेजेस में और ना ही ऐसे लोकल। आप जब जा रहे होते हो किसी स्ट्रीट पे, किसी जगह पे, किसी प्लेस पे, वहाँ पे इतना मॉडल और मेकअप और ये चीज़ें नहीं हो। Have you visited India? अभी तक नहीं किया, लेकिन मैं जिस तरह से देख रही होती हूँ वीडियो कॉल पे डेली बेसिस पे अपने। Okay, your family is from India. Yes. Okay. बस इतना ही कहना चाहूँगी, पाकिस्तान की स्टडीज अच्छी है। मेरे ख्याल से शायद 4 प्रोविंस में से शायद
पंजाब की ही स्टडीज इस काबिल है। कुछ रिकमेंड करेंगी पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को कि आप लोग अपनी बेटरमेंट के लिए क्या करें? आप लोग अपनी बेटरमेंट के लिए बराए मेहरबानी कॉलेजेस के अंदर से मेकअप को और मोबाइल को बिल्कुल ख़त्म कर दें, ताकि बच्चों का फोकस पढ़ाई पे रहे, ना कि फैशन पे रहे, चाहे वो बॉयज हैं चाहे वो गर्ल्स हैं। तो अब आप अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम देखो, चाइना का देखो, तो इंडिया बहुत पीछे है उससे, तो उसको भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। कभी भी कोई चीज़ जो होती है ना, अल्टीमेट नहीं होती दुनिया में, तो इम्प्रूवमेंट तो आपको हमेशा चाहिए होती है। तो मैं एक बहुत छोटी सी बात बता दूँ, मेरी खुद की भाभी है, शी इज़ अ डॉक्टर, और जब वो सुबह जा रही होती है, उन्हें पेशेंट की फिक्र कम होती है, उन्हें अपना लुक अच्छा करने की फिक्र बहुत ज़्यादा होती है। तो इस पे थोड़ा फोकस आप लोग कम करें, मेकअप के ऊपर, फैशन के ऊपर, फिर स्टडीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। वो लोग जो पढ़ाई के लिए तरसते हैं, उन्हें एडमिशन ही नहीं मिलता, इतनी महंगी यहाँ की एजुकेशन चल रही है। उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सके। यकीन माने वो बच्चे वाकई ही टैलेंटेड बच्चे हैं, जो बिल्कुल लोअर फैमिली से या जो लोग विलेजेस में रह रहे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। हम लोग जिन्हें कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्राइवेट स्टडीज इतनी आसानी से मिली हुई है, वो पढ़ना नहीं चाहते। क्वेश्चन ये नहीं है कि मोदी क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये है कि मोदी को क्या करने दिया जा रहा है। वो जो हिंदुत्व का प्रिंसिपल है, वो जो हिंदू बनाना चाह रहा है मुसलमानों को, वो जो कश्मीर में अपनी जो अद्वितीय अक्सरियत है उसको इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, वो उसका माइंड सेट है। अगर वो नलायक बंदा सिलेक्ट हुआ है तो वो हिंदू ने सिलेक्ट किया है, वो उसका हिंदू माइंड है। हम बात कर रहे हैं हिंदू वर्सेस मुस्लिम। हमारा लीडर भी तो मुसलमानों ने ही सिलेक्ट किया है। हमारा मुसलमानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम मुसलमान सिर्फ किताब के हैं और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है मुसलमानी के साथ। हम सिर्फ मर्दमशुमारी वाले मुसलमान हैं, हमारी सिर्फ एंट्री है, हमारे सिर्फ नाम है मुसलमानों वाले। हमारा कोई काम, कोई करेक्टर किसी मुसलमान की किसी डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरता। We are not practicing Muslim. We are Muslim by the book. हम किताब में जो डेफिनेशन लिखी हुई है बुक की, उसके मुताबिक मुसलमान है। कौन सा अमल है हमारा मुसलमानों वाला, आप बता दें। मुसलमान की डेफिनेशन अल्लाह पाक ने खुद की हुई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो अमले सवाले करने वाला है, जो अपने पोटेंशियल को एक्टिवेट करने वाला है, जो अपने पोटेंशियल को लेकर कनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, उसको मुसलमान कहते हैं। ये कौन सा मुसलमान है, ये कौन सा मुसलमान है? खाक का ढेर है इस मुसलमान को अल्लामा इकबाल ने खाक का ढेर कहा हुआ है। आप उसको मुसलमान कह रही हैं, वो तो मुसलमानी के नाम पे मैं ये सब लोग धब्बा हैं। मॉडर्न एरा की डिमांड है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिलेबस डिज़ाइन करें। हमारे आज भी वो अलिफ अनार और बे बकरी पे ही हम फंसे हुए हैं। सो लेट्स कम आउट ऑफ दिस। आई वॉन्ट से कि जो सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोलते हैं या जो सिर्फ फॉरेन वेज को अडॉप्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशन, दैट्स नॉट एट ऑल। हमारे यहाँ पहले पाकिस्तान में बहुत अच्छे ड्रामास बनते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर अडॉप्टिंग एंड प्रेफरिंग इंडियन और टर्किश। सो हमने अपनी सकाफत को या अपने वेज को छोड़कर हम अडॉप्टेशन में अगर बिलीव करते हैं, देन डेफिनेटली वी शुड अडॉप्ट द वेज जो एजुकेशनल सिस्टम है। फिर आप बाहर जो कुछ भी हो रहा है आप उसको फिर प्रेफर करें और उन वेज को अडॉप्ट करें। उनकी ऑक्सफोर्ड में क्या पढ़ाया जाता है, हम बुक्स तो ले आते हैं लेकिन पढ़ाने का वो यहाँ पे तरीकाकार नहीं है, निज़ाम नहीं है। सो अगर आपने उन चीज़ों को लाना है तो प्रॉपरली फिर उसको उस पर वर्कआउट करें एंड देन टीच योर टीचर्स अकॉर्डिंगली टू डू। मतलब सिलेबस वहाँ का ले आए हैं, टीचर्स हैं नहीं, तो आगे के ना पीछे के दरमियान में अटके हुए कहीं स्टूडेंट्स को रद्द कर रहे हैं हमको। यस, सो आई वुड से कि हमारे यहाँ वो मतंजन बना हुआ है ना, कि हमने अडॉप्ट भी करना है लेकिन करना भी नहीं है। पाकिस्तान में रूल्स बहुत ज़्यादा हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर आप एक लॉयर से भी जाके पूछे ना, तो उसे 10,000 लॉ का पता होगा, इम्प्लीमेंटेशन वो एक खुद भी नहीं करता होगा। पाकिस्तान में कानून बनाने वाले लोग कानून की पाबंदी नहीं करते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम खराब है। सिस्टमेटिकली वी नीड टू बी ग्रूम्ड एंड आई वुड से एज अ नेशन वी नीड टू बी ग्रूम्ड। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट वन स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेसिफिक आई वुड से एक फील्ड जो है वो इसको सेट कर सकती है। वी ऑल नीड टू बी ग्रूम्ड। कौमें तभी तरक्की करती हैं जब कौम तरक्की करती है। लीडर के तरक्की करने से आज दिन तक कोई कौम नहीं बनी है या कोई एक नेशन नहीं बनी है। नेशन इज बिकॉज ऑफ अस, वी ऑल पीपल आर नेशन। सो इफ वी वांट समथिंग टू बी चेंज, वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ फर्स्ट। ओके व्यूअर्स, सो एज यू हैव सीन कि आज हमने बहुत से लोगों से उनकी राय पूछी और अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग बहुत से लोगों से पूछा कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एजुकेशन को लेके, पाकिस्तानी एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लोग क्या सोचते हैं कि व्हिच वन इज मोर बेटर। तो एज यू गाइस हैव सीन कि बहुत से लोगों का मिला जुला जवाब था।
था, कुछ ने कहा कि उनको लगता है पाकिस्तानी एजुकेशन इज बेटर और कुछ को लगता है इंडियन वन। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस और सजेशंस भी दिए। इसके साथ साथ मुझे आज की वीडियो से दे इजाजत। फर्दर नेक्स्ट अच्छी वीडियोस के लिए हमें कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दीजिएगा। और फॉर मोर अपडेट्स फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड फॉलो। मैंने आज ही प्रशांत सर का भी वीडियो देखा जो कुछ देर पहले ही आया है, एंड उस वीडियो में भी प्रशांत सर ने कहा कि डू नॉट स्टडी इन पाकिस्तान, जो कि हमारा यूजीसी एंड एआईसीटीई कह रहा है। यूजीसी आप सबको पता ही होगा हमारे यहाँ का जो चलता है, यूनिवर्सिटी ग्रैंड काउंसिल, एंड एआईसीटीई इज ऑल इंडिया, क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसके तहत गवर्नमेंट एफिलिएशन मतलब मिलता है, एक मतलब एक रिकग्नाइजेशन मिलता है, नॉट गवर्नमेंट रिकग्नाइजेशन, एक रिकग्नाइजेशन मिलता है किसी यूनिवर्सिटी हो गया या किसी कॉलेज को कि उसकी डिग्री जो है वो वैल्यूएबल होगी। एंड वही चीज है कि वो वैल्यूएबल है तो ही फिर आगे आपको जॉब मिल सकता है या आप लाइफ में आपकी उस डिग्री की कहीं ना कहीं कोई तो वैल्यू होगी। लेकिन वही चीज है कि अगर आप पाकिस्तान में जाके पढ़ाई करते हैं तो उसका जीरो वैल्यू होगा, जीरो। एंड रहा बात इस वीडियो का, तो ये वीडियो भी मतलब अमेजिंग थी। मतलब वो कौन थे जनाब जो इतना कुछ बोल गए, इतना कुछ, इतनी भड़ास थी उनके अंदर हर चीज को लेके पाकिस्तान की। मतलब ओ माय गॉड, मतलब इंडिया की कभी तारीफ भी की है तो कभी बुराई भी, लेकिन वही अपनी पूरी भड़ास निकाल दी वही का वही। एंड जैसे कि सबने कहा इस वीडियो में कि एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी इम्प्रूव, वो पुराना भी चल रहा है, सालों पुराना रटा रटाया सिस्टम। तो सबसे पहली चीज है कि हमारे यहाँ इंडिया में तो एजुकेशन पॉलिसीज निकलते हैं, एंड एजुकेशन पॉलिसीज निकलती है, जो जो चेंजेस आती है उस हिसाब से जितनी भी टीचर्स है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, एक स्टेट लेवल पे एंड एक ऑल ओवर द इंडिया पे एक काउंसिल बिठाया जाता है, एक सेमिनार्स होता है, वेबिनार्स होता है टीचर्स के लिए, जो कि वहाँ ट्रेनिंग मिलता है किसी भी नई पॉलिसी आने पे या कोई भी नई टेक्निक्स यूज करने पे। जैसे अगर हम एडुकॉम का ही पकड़ ले तो एडुकॉम सिस्टम जब हमारे यहाँ आया था तब हर एक टीचर्स को ट्रेनिंग दिया गया था बकायदा कि वो स्टूडेंट्स के सामने अपनी एजुकेशन, अपनी जो पढ़ाई है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उस चीज को कितनी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर सके एक स्टूडेंट के सामने कि स्टूडेंट बहुत इजीली उस चीज को समझ सके किसी भी टॉपिक को। लेकिन वही चीज है पाकिस्तान में कहीं भी ये चीज नजर नहीं आता है कि टीचर्स को वो एक प्रॉपर एजुकेशन मिले कि टीचर्स आगे फ्यूचर बिल्ड करें स्टूडेंट्स की। एंड आप सबको पता ही है कि टीचर्स का जिम्मेदारी बहुत छोटा सा नहीं होता है, उनका जिम्मेदारी इतना सा होता है, भले ही सैलरी इतनी सी जरूर होती है लेकिन जिम्मेदारी इतना सा होता है, क्योंकि उनके अंडर ही रह के सारे बच्चे आगे जाके फ्यूचर बिल्डअप करेंगे। एंड जब टीचर्स का ही अच्छा नॉलेज नहीं होगा तो स्टूडेंट्स क्या ही करेंगे। एंड टीचर्स से पहले तो गवर्नमेंट को सुधरना चाहिए कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज लेके आए, अच्छी सिस्टम लेके आए, टेक्निक्स चेंज करे, एजुकेशन की पॉलिसीज चेंज करे, तो ही फिर कंट्री डेवलप करेगी एंड अच्छा बनेगा। एंड रहा बात एक और लेडी ने कहा कि मेकअप कर देना चाहिए मॉडलिंग में, तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कॉलेजेस में, लाइक वोकेशनल कॉलेजेस में मेकअप्स एंड ऑल अलाउड नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट फॉर दैट लाइक डिग्री कॉलेजेस लड़कियां जनरली हल्का फुल्का मेकअप, फैशन एंड ऑल करके ही जाती है, क्यों ना करे यार, दूसरों के लिए थोड़ी ना अपने लिए करते हैं सब। एंड ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग या मेकअप वगैरह में या किसी भी चीज में करियर नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं अपना रास्ता देख लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं अपनी पढ़ाई की। एंड सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है कि एजुकेशन का महत्व क्या है, सिर्फ जॉब लेना ही नहीं, उसकी इम्पोर्टेंस जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि पाकिस्तानी भाई बहनों में बिल्कुल नहीं है। सो गाइज आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान की कंपेरिजन वीडियो, वो भी एजुकेशन सिस्टम पे। एंड अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आप सबको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे ही इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड बगल में पार भी हो रहा होगा तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले।
एंड अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है एंड आप सबके क्या विचार है इसके ऊपर, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएं। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।